आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कृष्णा की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ छोटे छोटे बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी दलिया। चुके मैं दलिया बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, दलिया बनाने के लिए मैंने एक टमाटर को काट लिया है, एक हरी मिर्ची और एक प्याज और एक लिया है बड़ा आलू, क्योंकि आलू बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और ये मैंने एक कटोरी लिया है दलिया, और दलिये को अच्छे से साफ करके धो लिया है। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में सरसों का तेल डाल दिया है, और सॉरी उसके लिए मैं जीरा और हींग डालते हुए दिखा नहीं पाई। अब इसमें डाल दूँगी कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची जो कटी हुई थी, अच्छे से भून लेंगे। अब डाल देंगे इसमें कटा हुआ टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। अभी डाल देंगे इसमें आधी छोटी चम्मच सूखा धनिया, आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी, स्वाद अनुसार डाल दीजिए इसमें नमक, अच्छे से मिक्स कीजिए और हल्का सा मसालों को भून लीजिए। जैसे ही मसाला हल्का सा भून जाए, आप इसमें डाल दीजिए कटे हुए आलू, अच्छे से मिक्स कीजिए और करीब आधे मिनट के लिए ऐसे ही मसाले में चलाते हुए इसे भून लीजिए। आप यहाँ पे और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पालक है, मटर है और बंद गोभी है। आप हल्की सी गाजर भी डाल सकते हैं इसमें, पनीर भी डाल सकते हैं इसे और हेल्दी बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए। मैं नॉर्मल दलिया बना रही हूँ, आप जिस इसमें जो सब्ज़ी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं और दालें भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे मसूर की, अरहर की। अभी इसमें डाल दीजिए दलिया, दलिये को एक मिनट के लिए मसाले के साथ भून लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए पानी, एक कटोरी दलिया लिया था और हमने एक आलू लिया था, तो करीब हम इसमें चार कटोरी पानी डाल रहे हैं और हल्का सा ऐसे मिक्स करके कुकर का लगा दीजिए ढककर और मीडियम फ्लेम पे इसे दो सीटी लगने दीजिए। तो फ्रेंड, दो सीटी लग चुकी हैं, मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसे ठंडा होने दिया है कुकर को। अब इसे खोलते हैं, तो ये देखिए दलिया बनके तैयार है। ये देखिए हेल्दी और टेस्टी दलिया बच्चों के फायदा करेगा, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता है बच्चों के लिए दलिया। आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए ऊपर से और अच्छा लुक आएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, और ठंडा करने के बाद बच्चों को खिलाइए। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इसमें, और तीखा पसंद करते हैं तो हल्की सी मिर्ची भी इस दलिया बन छोंकते समय डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।